तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जुमा पढ़ के घर से निकल चुके हैं क्योंकि आज है हमारा इवेंट और इवेंट की तैयारी चल रही है। और सेंट एंड्रयूज में हमारा इवेंट है बैंड्रा में, और वसीम जी हमेशा की तरह ड्राइव कर रहे हैं। और ये साइड में जो आपको रखा हुआ दिख रहा है ना, इवेंट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए जो ये हमारी तैयारी चल रही है, जो हमारा आज बैकड्रॉप लगने वाला है, तो ये बैकड्रॉप है, इसके अंदर पूरा हमारा बैकड्रॉप है। और हम इसको पूरा बोलते हैं ना कंधे पे लाद के लेकर आना, तो आज हम इसको कंधे पे लाद के लेकर आए हैं। तो वसीम जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, बस हम लोग पहुँच गए हैं और अभी काम स्टार्ट करना है। बस हम जस्ट अभी पहुँचे हैं, हमारी गाड़ी लगा रहे हैं और सामान लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक के चलते थोड़ा सा डिले हो गया है, क्योंकि हमें कुछ सामान और भी मंगवाना था जो एंड मोमेंट पे हमको पता चला, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अरेंज हो चुका है। तो गाइज अभी मिलते हैं हॉल के अंदर। ओ गाइज, गाड़ी से उतर चुके हैं हम लोग, और अभी वसीम जी क्या मतलब बहुत टेंशन में थे क्योंकि टेम्पो हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि जैसे हम ट्रैफिक में फंसे हैं वैसी वो। और अभी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है बैकड्रॉप लगने का, जिसको हम कंधे पे लाद के लेकर आए, वो बैकड्रॉप अब लग रहा है। लगने के बाद, रेडी होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। चल रहा है हमारा सेटअप, अंदर का आपको दिखाया कितना ब्यूटीफुल सेटअप चल रहा है। और यहाँ बन रहा है गेट, और बारिश भी बोल रही है कि मैं भी आज आने वाली हूँ, रुकूंगी नहीं। तो बारिश भी चालू है और हमारा काम भी चालू है, और वसीम जी यहाँ गेट का पूरा कंप्लीट काम करवा रहे हैं। फिर ऊपर बैकड्रॉप वगैरह जो जो लग रहे हैं, जिसको हम कंधे पे लाद के लेकर आए थे, वो बैकड्रॉप अभी लगने वाला है, हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, जहाँ ब्रांडिंग की बात की जाए तो हमारा लोगो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी ये सारे स्पॉन्सर्स हैं, आप देख सकते हैं क्या सारे स्पॉन्सर्स के लोगो लगाए गए हैं। और ये नीचे गेट रेडी हो चुका है, बस एक पैनल इधर रखा है, वो भी लगने वाला है। और लगने के बाद फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि फाइनल लुक कैसा लग रहा है। काम करने का भी एक तरीका होता है, सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा, किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से काम को फिनिश किया जाता है, टेक्निकली कैसे होता है, वो सब हम आपको दिखाते रहते हैं। आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा था, जब हमारा द क्लब में इवेंट हुआ था, तो किस तरीके से फुल नाइट हमारा सेटअप चला था और पूरी नाइट हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे, और रमज़ान का महीना था, बट काम अपनी जगह और इबादत अपनी जगह, तो हमने दोनों काम को बखूबी अच्छे से निभाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा सारे काम हो गए थे, और यहाँ भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। वसीम जी क्या कहना चाहोगे आप? काम तो काम ही होता है, और काम बहुत ही जवाबदारी से करना पड़ता है, बहुत अच्छे से, जिम्मेदारी से और समझदारी से, कि लुक एंड फील बहुत अच्छा आना चाहिए। तो ये आने वाला है, उसी मत करा करो, अच्छे से बोल दिया करो, जिस तरीके से काम अच्छे से करवाते हो वैसे बोलना भी जरूरी है। तो गाइस, ये रहा हमारा फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आपको, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी को भी इवेंट करना है तो प्लीज हमें इसी आईडी पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज अवेलेबल है, बॉलीवुड इवेंट से लेके वेडिंग इवेंट से लेके एवरीथिंग, यहाँ तक कि पॉलिटिकल इवेंट भी हम लोग करते हैं। और किसी को भी म्यूजिकल मतलब इवेंट करना है तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें। No. तो हम लोग थिएटर के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां इवेंट होने वाला है वहां पूरी तैयारी स्टार्ट है, हमारी चल रही है। और किस तरीके से म्यूजिक का सेटअप लग रहा है, तो सेटअप देख के आप लोग समझ सकते हो कि यहां 100% कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% म्यूजिकल प्रोग्राम है, और क्या नाम है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। ठीक है, सेकंड तुम जो मिल गए हो, डी मेजर, मेजर डबल का छुप गए सारे, ए फ्लैट माइनर, ए फ्लैट माइनर दीवाना, और चाहूंगा मैं तुझे, ऐसा मेरे दिल में तुम्हारा है दोस्तों। गानों के आप नाम सुन रहे हैं ना, ये सारे सुपरहिट सॉन्ग हैं, और सर ने पूरी लिस्ट बना के रखी है, और आज ये सब लाइव सुनने को मिलने वाले हैं।
बहुत ही मजा आने वाला है। ओल्ड इज गोल्ड जिसको बोलते हैं, तो वो रियली में यही है। ओल्ड टीम से डिस्कशन चल रहा है, जब म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है, तो इस तरीके से पूरी तैयारी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है, और ये कुछ टीम आके बैठी है जो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। बाकी पूरा हॉल खाली है, सिर्फ और सिर्फ स्टेज के ऊपर काम चल रहा है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। और जब इवेंट की तैयारी होती है तो 4 से 5 घंटा पहले 6 घंटा पहले पूरा इवेंट की इस तरीके से पूरी तैयारी होती है। म्यूजिकल इवेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसकी तैयारी बहुत 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 जरूरी होती है। और सबसे बड़ी चीज होती है टीम के साथ कंटिन्यूटी। अगम जी का बरसात की रात। आई एम गुड, हाउ आर यू? मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए मैं थोड़ा सा मोमेंट ले लूं। पूरी लाइटिंग की भी फिटिंग चल रही है, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग सबको मिलना चाहिए। तो तरीके से लोअर कम्युनिकेशन चल रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश साउंड चेक इन 1 आवर, आई एम टेलिंग यू। कोऑर्डिनेशन करने में कितना फासला है, बट फिर भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है हर एक चीज का। व्हाट्स सो मच रंबल ऑन द तबला माइक? There's a rumble on the tabla mic. अभी आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक है तो कितना अच्छा माहौल बन रहा है। जब आप समझ सकते हो कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रौनक जमने वाली है और क्या मजा आने वाला है। और ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग जो है वो तो रियली बहुत ही अच्छे होते हैं और सुनने में भी बहुत मजा आता है। तो ये सब ओके, तबला इज फाइन, तबला इज फाइन, लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हैं दूर से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दूर से आई हूँ कि दूर से प्रॉपर स्टेज आप लोगों को दिखा सके, क्योंकि फिर क्राउड आ जाएगा तो प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए सेटअप के टाइम पे हमने आपको प्रॉपर स्टेज दिखाया है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे चल रही है टेक्निकल ट्रायल। आप देख सकते हो किस तरीके से टेक्निकल ट्रायल होती है, कैसे लोगों को इशारे पे मतलब क्लू दिया जाता है, कब क्या करता है, किस तरीके से कब ढोलक बजाना है, कब तबला बजाना है, कब पे किस तरीके से क्या करना है। पूरी टीम को एक ही बंदा कोऑर्डिनेट करता है और किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया है आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं म्यूजिकल इवेंट की कितनी सारी तैयारियां होती हैं और इंस्ट्रूमेंट में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब म्यूजिकल इवेंट किया जाता है तो म्यूजिशियन कोई 2-4 नहीं होते हैं, कम से कम 10 से 12 लोग होते हैं जो आप तो गाइस पूरी ऑडियंस आ चुकी है और शो की का टाइमिंग हो चुका है और आप देख सकते हो वन बाई वन सब अंदर जाना शुरू हो गए और काफ़ी सारे लोग अंदर जा चुके हैं और अभी भी पूरा मतलब यहाँ पे क्राउड है, मतलब पूरा शो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो म्यूजिशियन सब रेडी होने गए, 5 मिनट में सब यहाँ पहुँचने वाले हैं और ये है स्टेज का पर्दा, अब ये ओपन होने की तैयारी में है और पूरी पब्लिक बाहर वेट कर रही है और यहाँ सब रेडी हैं। हाय तो शो स्टार्ट करने से पहले प्रे किए जाती है, जिस तरीके से लोग प्रे कर रहे हैं पूरी टीम मिलके, ये इसलिए कि गणपति बप्पा ऑल द बेस्ट, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो ऑल द
तो सर आज क्या धमाल होने वाला है? आज धमाल ये कमाल होने वाला है, कमाल धमाल सब होने वाला है आज तो। सर आप लोग हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और ये मैडम को तो सुनने के बाद में जो मजा आने वाला है ना रियली। तो अभिजीत रानी जी यहाँ आ चुके हैं और वो सबसे पहले दिया जला रहे हैं, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई भी इनवाइट करता है ज़रूर आते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, और इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने हेल्प करी है। किम का इनका खुद का एसोसिएशन है और अच्छे इंसान हैं, और बाकी लोगों ने दिया जलित करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज इवेंट फिनिश हो चुका है और यहाँ करा जा रहा है सबको सम्मानित, सबको माला पहना के सम्मान दिया जा रहा है, शॉल पहनाई जा रही है, और ये सब सिंगर हैं और जितने गेस्ट आए थे, जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर्स थे, ये सब वो लोग हैं। और आप लोगों को इवेंट कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो वाइट ड्रेस में ये है इंडियन आइडल की विनर, तो इंडियन आइडल की विनर है, और रियली इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और तो गाइस यहाँ पे आशीष शिलार जी भी आ चुके हैं, सबसे मिले, सबसे हाथ मिलाया और उनका भी सम्मान किया गया, और काफ़ी सारे लोगों से बातें करी, बहुत अच्छा लगा। तो वीरेंद्र जी ने आशीष जी का भी सम्मान किया और उनको भी शॉल पहना के और बुके दे के उनको भी सम्मानित किया गया, और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल था, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने मतलब मिलजुल के बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि इवेंट फिनिश हो चुका था, आशीष जी को आने में थोड़ा सा डिले हो गया, तो फिर आशीष जी ने वीरेंद्र जी का सम्मान किया, और आप देख सकते हैं ये आशीष जी ने वीरेंद्र जी को दिया गिफ्ट और ये शॉल पहनाई, और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी सारे लोगों ने सेल्फी फ़ोटोज़ ली। और हमारा इवेंट कंप्लीट हो चुका है, और अभी पूरा स्टेज हमारा खाली हो चुका है, और इवेंट इतना सक्सेस हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना मज़ा आया कि पूरी पब्लिक ने एंजॉय करा, पूरा थिएटर हमारा पैक था, आपको पूरी वीडियो में देखने को मिला होगा। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।